नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के उदयपुर की है। यहाँ के बारापाल गांव में ऊपरी फला इलाके में पार्वती अपने पति रामा और बेटे नंदलाल के साथ रहती थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि रामा और नंदलाल ने पहले मिलकर पार्वती का गला घोटा और फिर उसे फंदे से लटका दिया था। वारदात के बाद बाप बेटे इसी घर में लाश के साथ सो गए। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को पहले सुबह उठते ही बाप बेटे ने इस हत्या को आत्महत्या का चोला पहनाने की कोशिश की और पूरे गाँव में पार्वती के खुदकुशी की बात फैला दी। गांव वाले पार्वती की अचानक मौत से दंग थे और बाप बेटे अपना गुनाह बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। महिला की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस को यह मामला शुरू से ही संदेहास्पद लग रहा था। गोवर्धन थाने की पुलिस ने जब मौके पर छानबीन की तो देखा कि महिला के पांव जमीन से सटे हुए थे। इसके बाद पुलिस का शक गहरा गया। इलाके के लोगों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि रामा अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया करता था। गांव वालों से मिली जानकारी और शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने रामा से कड़ाई से पूछताछ की। रामा ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी रामा ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी गांव में शराब पीकर घूमती थी और उसके लिए खाना नहीं बनाती थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि क्षेत्रवासियों से मिली जानकारी के अनुसार रामा अपनी पत्नी पर चारित्रिक रूप से भी शक किया करता था। रामा ने पुलिस को बताया कि उसने अपने बेटे नंदलाल के साथ मिलकर अपनी पत्नी का गला घोटा था, इसके बाद फंदा बनाकर उसे फांसी लगाकर आत्महत्या का रूप दिया था। इतना ही नहीं, सुबह उठकर इन दोनों ने खूब शोर मचाया था और गाँव वालों की भीड़ भी जमा कर ली थी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।